इज ऑक्लूडेड, उसको ग्रहण लगा है, उस पर काली छाया, कोई नो कंट्री, और लोग इस तरह से लोग चुन रहे हैं चुनावों में कि जिनको चुना जाता है वो हमारा चुनने का अधिकार छीन रहे हैं. स्टिल पीपल आर इलेक्टिंग द पीपल हु विल टेक अवे द चॉइस ऑफ इलेक्टिंग देम. मेरे दिल के नजदीक हमेशा रहने वाले मेरे दोस्त और को कॉन्स्पिरेटर और इस साल ज्ञानपीठ फाउंडेशन को मिले नए अवार्ड दामोदर माउजो. आई डिड नॉट से द वन हु रिसीव्ड द अवार्ड, आई सेड ही इज द अवार्ड फॉर ज्ञानपीठ फाउंडेशन. सम्माननीय मुनिका जी और गौरचरण जी और इस सभा में उपस्थित सम्माननीय लेखक, कवि, विद्वान, विद्वज्जन, स्त्री पुरुष, मैं कम शब्दों में थोड़े ही समय में आपके सामने कुछ वेदना या व्यथा रखना चाहता हूं. आज का दिन आनंद का दिन है. आज उड़िया लैंग्वेज जो संस्कृत आने से भी चलती रही, संस्कृत चली गई, पर्शियन आई चली गई, अंग्रेजी आई वो भी जाएगी, ओडिया शैल बी देयर. उस स्ट्रीम में 10 बड़े ताकतवान नौका चलाने वाले, उस स्ट्रीम बहती रहे उसकी चिंता करने वाले आए हैं और जिनको अवार्ड नहीं मिले ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अवार्ड 10 है और लिखने वाले ज्यादा हो गए. और दामोदर जी ने आप सबको बहुत अच्छी तरह से आगे का दिशा दर्शन किया है. सो इट इज ए डे ऑफ जॉय एंड येट आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू शेयर सम एगनी दैट आई हैव इन माय माइंड. डिड नॉट सम वेरी फेमस पोएट से दैट हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर आवर सैडेस्ट थॉट्स. I know she really said that. मैं जब भी ओडिशा में आया और वापिस जाने के बाद मेरे दोस्तों ने, मेरे परिजन, मेरे परिवार के लोगों ने पूछा कि ओडिशा कैसा है, तो हमेशा मेरे दिमाग में एक जवाब आता था. मैंने बल्कि ये जवाब उनको सुनाया नहीं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मुझे हमेशा लगता था कि ओडिशा रात के समय दिखने वाले आकाश जैसा है. फिर मैं टीम्स में था तो गोपीनाथ मंती मैंने पढ़ा, फिर मैं मेरे अर्ली 20s में गया तो जयंत महापात्र मुझे मिले. उसके कुछ साल के बाद मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था तो आई मेट योर फेमस राइटर ज्ञानपीठ अवार्ड विनर महापात्र जी. उसके बाद मैं चाइना जा रहा था, मुझे रमाकांत रत्न मिले. डीपी पटनायक साहब, मैं सीआईएल में व्हेन आई वाज 20, 21, 23, 24 आई वेंट टू सीआईएल. मुझे लगा कि ओडिशा प्रोड्यूसेस ओनली ग्रेट पीपल. और मेरा जो विचारधारा था उस समय, तो मुझे किशन पटनायक जी से बहुत, मैंने उनको नहीं मिला था, मैंने कहा ये क्या भूमि है कि दे प्रोड्यूस ओनली ग्रेट पीपल. फिर धीरे धीरे मेरी आदिवासियों के साथ दोस्ती बढ़ने लगी और मैंने उड़ीसा के आदिवासियों के बारे में सुना भी
उनको देखा, उनको समझने की कोशिश की, और रात का बहुत बड़ा अंधेरा भी मैंने देखा। इतने बड़े, इतने अंधेरे में इतने स्टार्स, ये दोनों एक साथ होना, ये मुझे उड़ीसा की हमेशा इमेज मेरे दिमाग में थी। मैंने आपके सामने रखी है, आप मुझे माफ कीजिए कि मैं कवि नहीं हूँ और कविता नहीं लिखता हूँ, लेकिन इंसान हूँ और जिंदा इंसान हूँ। जैसे पाश ने कहा कि घर से निकलना, ऑफिस जाना, वापस आना, फिर सो जाना, ये तो अपने सपनों का खो जाना, ये जिंदगी। माई ड्रीम्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ड्रीम्स। इन दिस वर्ल्ड एट दिस मोमेंट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिया रूम, पूरे दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, तीन चीजें परेशान कर रही है हमें। सबसे पहले पिछले 30-40 सालों में ये तीन जो चीजें है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में, वन इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ नॉलेज, द सेकंड इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ आवर बीइंग टुगेदर एज अ सोसाइटी, और आई विल से द स्टेट, एंड द थर्ड इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये तीनों हमारे समय में, इनके साथ कोई गड़बड़ शुरू है। पिछले 30-40 साल में ज्ञान के क्षेत्र में, जिसे एपिस्टेमिक चेंज कहते हैं, जिसके फाउंडेशन से हर डिसिप्लिन के फाउंडेशन बदल गए हैं। 40 साल पहले दामोदर जी ने बात की कि 40 साल पहले मार्क्वेस पढ़ा, हाँ 40 साल पहले फिजिक्स में एक ही प्रकार का मैटर स्टडी के लिए उपलब्ध, मैटर वॉज डिफाइंड, देयर वॉज सर्टेनिटी। टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ मैटर्स ऑफ मेनी काइंड्स, नॉन मैटर एंड मैटर। 3 साल पहले नोबेल प्राइज मिला इस विषय में, दैट इज द लॉज ऑफ फिजिक्स विच ऑपरेट, जियो बाउंड, अर्थ बाउंड लॉज ऑफ फिजिक्स, our solar system bound laws of physics won't operate in the rest of the cosmos or the cosmos is beyond our cosmos. आपको शायद पता भी है, शायद नहीं भी हो सकता। जिसे हम स्टैंडर्ड्स कहते थे, पिछले 200-300 साल से स्टैंडर्ड्स रखे थे आइदर इन लंदन और इन पेरिस, इन द लास्ट 8 or 10 years दो स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिस्कार्डेड। जिसे हम 1 meter कहते थे, वो 1 meter की पट्टी वो उन्होंने फेंक दी है। जिसे 1 centigrade कहते थे, दैट हैज बीन, देयर आर, वी आर लिविंग अमिड्स अनसर्टेनिटीज। और हम तो शेक्सपियर नहीं है, जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के बारे में कहा था, शेक्सपियर हैड दैट ग्रेट निगेटिव कैपेबिलिटी टू सर्वाइव अमिड्स अनसर्टेनिटीज। हम आज अनसर्टेनिटीज से पूरे घिरे हुए हैं नॉलेज के फील्ड्स में, एंड वी डोंट हैव ए सिंगल नॉलेज, वी हैव नॉलेजेस, हर तरह का नॉलेज चैलेंज हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो इन इट्स वर्स्ट फॉर्म द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पोस्ट ट्रूथ एंड फेक न्यूज। हमारे शहरों में आजकल पवन बहुत कम बहता है, पुराने समय में यमुना से या कालिंदी से या नर्मदा से शीतल पवन आया करता था, मेरू मंदार से पवन आता था, cool breeze. Today we are surrounded not by that cool breeze but by fake news, and it comes to the Soumya ji ne bahut soumya shabdon mein aapko kaha ke angavastra, he used mobile, you know what he was saying, really the mobile has turned us into mobs, mindless mobs. हुबली में 2 दिन पहले मेरे शहर में किसी ने पोस्ट लगाई मस्जिद के ऊपर, सैफरन फ्लैग पोस्ट ही पोस्ट, हंड्रेड्स गॉट इंजर्ड, व्हीकल्स वेर बर्न्ड, पुलिस वेंट एंड अरेस्टेड सो मेनी यंग। वी आर बीइंग
वी आर बीइंग टर्न इनटू मॉब्स, माइंडलेस मॉब्स. नॉलेज फाउंडेशंस हैव स्लिप्ड आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड वी डू नॉट नो इन दैट व्हर्लविंड वेयर वी आर हेडिंग. दूसरी बात डेमोक्रेसी की. पिछले 200 सालों में पूरे दुनिया में लोगों ने सपने देखे थे कि हाँ हम स्ट्रगल करेंगे. हमारा फ्रीडम स्ट्रगल क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल था आजाद होना, लेकिन आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक आजादी होगी. अफ्रीका में ये हुआ, लैटिन अमेरिका में हुआ, यूरोप के देशों में नेशनलिज्म आया, वो डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ आया. टुडे डेमोक्रेसी इज ऑक्लूडेड, उसको ग्रहण लगा है, उस पर काली छाया. कोई नो कंट्री. और लोग इस तरह से लोग चुन रहे हैं चुनावों में कि जिनको चुना जाता है वो हमारा चुनने का अधिकार छीन रहे हैं. स्टिल पीपल आर इलेक्टिंग द पीपल हु विल टेक अवे द चॉइस ऑफ इलेक्टिंग देम. आप सोचिए, इट्स ए ग्रेट ट्रेजेडी फॉर डेमोक्रेसी. वी डोंट नो विच वे दैट इज गोइंग. एंड इफ देर इज एन डेमोक्रेसी, इफ द डेमोक्रेटिक राइट्स आर बींग डिमिनिश्ड, वॉट विल हैपन टू द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन? स्लेव बन जाएंगे हम? शायद बने ही है. हमने वो नाम स्वीकारा नहीं, लेकिन आज दुनिया में वेदर इज टर्की और रशिया और आई कैन गो ऑन नेमिंग दीज नेशंस एंड आई विल नॉट गिव एग्जम्पशन टू अवर ओन नेशन फ्रॉम दैट लिस्ट. वेयर आर वी गोइंग? और तीसरी चीज, मैंने कहा जस्टिस. पिछले 200 साल से, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, हम ये सोच रहे थे कि एक सत्ता ऐसी होगी कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेगी. एडम स्मिथ हो, कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट है, वो भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का विचार तो उसमें था कि लोगों के पास, और लोग भी जीते थे उस तरह से कि पूरी जिंदगी काम करेंगे और जिंदगी के अंत में एक अपना मकान बनाएंगे. टुडे दैट आइडिया is completely absent from the thoughts of even the poor people. Please consider what I'm saying. आज लोगों के दिमाग में वो aspirations है जिसमें state induced distribution of wealth does not matter at all. They think people, everybody is thinking, I'm thinking, you're thinking, our children are thinking definitely, that we are out in an open forest where animal-like competition is possible. Whoever wins will get to the top. And there is no limit, there's no sky. It is limitless space made open for every economic animal to contest, kill others and be there. The ethics which had been there as the underside of economics have been washed away. Or aaj koi bhi church, koi bhi state, koi bhi university ye nahi chinta kar rahi ki gareeb aur ameer ke beech mein bahut badi khali hui hai. Now I don't want to get into these long lectures, but I want to say, when the idea of democracy itself is passing through such a crisis, when the idea of justice is passing through such a great crisis, when the idea of knowledge is passing through such a great crisis, the challenge for the writers is great. Writers have to write about our situation. Writers have to write about our situation. And young writers at that have to write about our situation. Mere ek bahut adarniya dost thi, उनका नाम था महाश्वेता देवी, बांग्ला राइटर थी बहुत साल, और उन्होंने मुझे भुवनेश्वर के बारे में बहुत बताया था. महाश्वेता देवी ने यह कहा कि मैं पूजा इशू में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती,
क्योंकि वहां बहुत प्रतिष्ठित लेखकों को जगह दी जाती है, यंग राइटर्स आर निग्लेक्टेड, माय हार्ट इज विद द यंग राइटर्स, योर कथा इशू आई थिंक फुलफिल्स द ड्रीम ऑफ महाश्वेता देवी, शी वुड हैव डांस विद जॉय टुडे लुकिंग एट दिस पूजा इशू, जो वसंत पंचमी में आना चाहिए था, अप्रैल में आया है, हमारे समय टाइम का ख्याल भी बदला है, स्पेस एंड टाइम दोनों हमारे दे आर ऑल फ्रेगमेंटेड, लाइक शेक्सपियर सेड एट वन टाइम आई द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट टू कर्सेड स्पाइट दैट आई एम बॉर्न टू सेट इट राइट, लेकिन वो खैर अप्रैल में, तो अप्रैल में फेब्रुवरी में आना था, वॉट यू डन महाश्वेता देवी वुड है डांस विद जॉय, महाश्वेता देवी ने मुझे महेंद्र प्रसाद जी का नाम बताया और महेंद्र आप मैं महाश्वेता देवी का नाम इस यंग राइटर्स के लिए इसलिए लेना चाहता हूँ कि उनकी जो रक्षा है वो मेरे आदिवासी अकेडमी में है, शी इज फॉर मी द अल्टीमेट होराइजन ऑफ क्रिएटिविटी, she introduced me to one aspect of Bhuvaneshwar और उसकी बात मैं करूँगा, but Mahindra I want to आप उपस्थित हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके मृत्यु के एक दिन पहले का फोटो आपने मुझे भेजा था, मेरे यहाँ उनके मृत्यु के बाद जो रक्षक वो आदिवासी अकेडमी में है, that links us, she links us together, young writers अगर हमें इस बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्या हम डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ी कथा लिखेंगे, या तो जस्टिस के ऊपर बड़ी कथा लिखेंगे, या तो नॉलेज के ऊपर बड़ी कथा लिखेंगे, राइटिंग इज नॉट डन दैट वे ऑल ऑफ अस नो, लाइक दामोदर मौसो से हेमिंग्वे हैड आल्सो कि ए शॉर्ट स्टोरी हैज ए लिरिक स्पेस बट एन एपिक स्पैन, वो एक एपिक स्पैन इससे आएगा कि हमारे ही जमीन पे क्या है वो अगर हम देखें और उसके बारे में देखें, और मैं उड़ीसा की जमीन पे क्या है इसके बारे में मेरे कुछ विचार आपके सामने रख के मेरी बात पूरी करने वाला हूं। आज अप्रैल के थर्ड वीक में हमारे देश में दिल्ली में गुजरात में कर्नाटक में महाराष्ट्र में और कितनी कितनी राज्यों में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं इसलिए मुझे ये बात करना जरूरी है, और उसके पहले मैं थोड़ा प्रेफेस, आर्थर केसलर मेरे बहुत प्रिय राइटर है, आर्थर केसलर कहते थे कि मैं लिखता हूं तो मेरे मेज मेरे टेबल के पास एक विंडो है और मेरे टेबल के नीचे मैंने गर्म पानी की बकेट रखी है, उसमें मैं पैर रख के बैठता हूं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं अगर विंडो से बाहर देखने जाऊं तो मेरे पैर निकल आते हैं, दुनिया की तरफ देख के लिखूं तो मेरी इंस्पिरेशन, मैं वो बकेट में मेरे पैर रखने की कोशिश करूं तो मेरा सर थोड़ा पीछे आता है, मैं बाहर का देख नहीं सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहा है। एक अल्बर्ट कामू की भी कथा है, एक आर्टिस्ट था देहात में, ही वाज वेरी गुड आर्टिस्ट, फिर उसको राइटर आर्टिस्ट यानी लिटरेरी आर्टिस्ट राइटर उसको पेरिस में बुलाया जाता है और वो पेरिस के फैशनेबल सोसाइटी में बेचारा परेशान होता है और ही कमिट सुसाइड, उसके मेज पे सुसाइड नोट होती है, जैसे मेरे कर्नाटक में, मैं कर्नाटक से आया हूँ, किसी एक बिल्डर ने सुसाइड नोट रखी थी 40% करप्शन वाली, आपने उसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनना चाहिए, सुसाइड नोट रखी थी, उसमें लिखा था कि मैं कमिटमेंट करूं या आर्ट का कल्टीवेशन करूं,
फ्रेंच में थी, शुड आई लुक एट द आर्टिस्टिकनेस ऑफ माई स्टोरी और शुड आई लुक एट द रिफ्लेक्टिव एबिलिटी ऑफ द स्टोरी। और ये तो समस्या हमेशा राइटर को होती है, यंग राइटर्स आई वॉन्ट टू से दिस, कि हमेशा परेशानी होगी दुनिया के बारे में लिखे या अपने बारे में, अपने सोच के बारे में लिखे। Yet one has to make a decision। आज के दिन में जब पूरे देश में, दूसरे सभी स्टेट में जेनोसाइड की कॉल दी जाती है, तब उड़ीसा में why there is no communal clash, इसके बारे में आपने लिखना चाहिए। It is a great subject for you। आप नहीं लिखेंगे, उड़ीसा is an exception। मैं आपको और कुछ बोलने वाला हूं इसके बारे में। आई नो कि कंधमाल में हुआ था, मैं जानता हूं, वो आग का धुआं आज भी ओडिशा में है, ये मैं जानता हूं, धुआं बढ़ रहा है वो भी जानता हूं, बट देर इज नो, ये भी जानता हूं कि हाँ ओडिशा में क्रिश्चियन केवल 2.5% है, मुस्लिम 2% है या ऐसा ही कुछ है। ये जानता हूं कि वो सबसे बड़ी माइनॉरिटीज नहीं है, जानता हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बड़ी, शायद शेड्यूल ट्राइब्स 22% या 23%, शेड्यूल कास्ट 17% है, मैं टुगेदर दे मेक 40, ये मैं जानता हूं। येट व्हाई इज ओडिशा फ्री ऑफ द कंटेंट फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस? यू कैन टीच इंडिया द सीक्रेट ऑफ बीइंग एन ओडिशा पर्सन। ओडिया होने का मतलब आप देश को दे दो। मेरा दिल रोता है, मैं जब ये बात कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप कोई ताली बजाए या मेरा, मैं गुजरात से, मैं गुजरात में 35 साल मैंने काम किया, गांधी का गुजरात, लेकिन उसी गांधी के गुजरात में मैंने देखे हैं क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या तरकीबें होती है कम्युनल फ्रेंजी बढ़ाने की। बड़ौदा में मैं 1980s में था, उस समय बड़ौदा के संघ के प्रचारक आज बहुत बड़े देश के लीडर है, आई हैव सीन द कम्युनल राइट्स इन गुजरात डिस्ट्रॉइंग द ड्रीम्स ऑफ गांधी, द ड्रीम्स ऑफ सहजर और गायकवाड, ड्रीम्स ऑफ कम्युनल हार्मनी। आप द ओडियानेस दैट यू हैव इज समथिंग दैट इंडिया इज वेटिंग फॉर। ये जो स्काई है वो कहीं दूर का तारा भी कभी आशा देती है। यू प्लीज थिंक ऑफ दिस, ऑल्सो थिंक कि हाँ ये गणेश जी भी आए थे, उन्होंने कहा उड़िया में सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, ये भी आप सोचिए उसके साथ साथ कि आने वाला क्या है। आप देखिए इलेक्शंस के, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बट आई जस्ट वांट टू मेंशन इन वन सेंटेंस कि हाँ विधानसभा इलेक्शन में देयर इज अ ग्रेटर मेजॉरिटी फॉर ग्रेटर वोट परसेंटेज फॉर ए नॉन कम्युनल वोट, बट इन द लोकसभा इलेक्शन दैट वोट परसेंट गेट्स रिड्यूस। उसका मतलब कहीं ना कहीं ओडिया के मन में भी, ओडिशा के मन में भी शायद उन चीजों का अट्रैक्शन बढ़ तो नहीं रहा। दिस इज ए सब्जेक्ट फॉर यू टू राइट। इफ अल्बर्ट कामू वेयर टू बी हियर टूडे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में प्लेग नाम की नॉवेल लिखने की शुरुआत की थी। क्या फ्रांस में प्लेग आया था? नहीं आया था। क्या वहां दवाई नहीं थी इसलिए उन्होंने प्लेग लिखा? नहीं। He was looking at the plague of ideas that was destroying Europe। काफ्का ने जो कासल लिखा, कासल नॉट ट्रायल, कासल, क्या उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी खराब थी? नो, बट ही कुड सी व्हाट वाज हैपनिंग टू द माइंड ऑफ यूरोप। और अगर आप ओडिशा के हैं तो इंडिया के हैं, तो इंडिया में जो हो रहा है लेकिन ओडिशा में नहीं हो रहा, वो स्ट्रेंथ इंडिया को देना आपकी उतनी जिम्मेवारी होगी जितनी रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में जो स्ट्रेंथ थी बिफोर इंडिपेंडेंस वो पूरे देश को दी थी, प्रेमचंद ने
पूरे देश को दी थी, गांधी ने पूरे देश को दी थी। यू हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस अवार्ड टेक इट नॉट एज एन अवार्ड, टेक इट एज अ कर्स, रिमेन अ कर्स फॉर योर एंटायर लाइफ, बिकॉज दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट फुलफिल एंड कंटिन्यू टू द लास्ट ब्रेथ यू हैव, टू द मोमेंट यू डाय, सो दैट यू बिकम इमॉर्टल, बट द नेशन बिकम्स ए बेटर प्लेस फॉर ह्यूमंस। ये मेरी वेदना थी। मैं बहुत डर रहा था आपके सामने रखने में, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र से आया हूं, गुजरात से आया हूं, कर्नाटक से आया हूं, वहां जो मेरे आंख से मैं देख रहा हूं उसका वर्णन मैं नहीं, मैं लज्जित होता हूं। लेकिन आप मुझ पे कुछ भरोसा रखें और शायद आप इस देश की तकदीर बदल पाएंगे, आपके साहित्य से बदल पाएंगे। द वर्ड क्रिएट्स द वर्ल्ड, यू हैव द वर्ड। यू नो दिस इज नॉट माई सेंटेंस, महात्मा गांधी सेड दिस टू रविन्द्रनाथ टैगोर, ही सेड यू हैव द वर्ड, यू हैव, डोंट थिंक ऑफ द अवार्ड, थिंक ऑफ द वर्ड। Our responsibility, think of the changing world and know that you shall perpetually remain accursed, carry the curse with great pride, and I salute you for that acceptance of the responsibility which is like a curse.